आपको शाम की चाय पीना पसंद है? खैर मुझे इतनी पसंद नहीं, लेकिन हाँ जब मैं रात शाम दोपहर में सो जाता हूँ तो शाम में चाय पी लेता हूँ। खैर इसे छोड़िए, लिटरली इस वीडियो में मैं कोई फैंसी एडिटिंग नहीं करने वाला हूँ, ना मैं कोई बहुत बढ़िया ट्रांजिशन करने वाला हूँ। ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको, जैसे आपको पता है कि नेटफ्लिक्स की तरफ से वॉच फेस्ट आ चुकी है और 2 दिन इंडियंस के लिए, सबसे पहले इंडियंस के लिए ही हुआ है कि 2 दिन बिल्कुल फ्री में नेटफ्लिक्स स्ट्रीम कर सकते हैं आप। और ये हमारे लिए बहुत अच्छा है इंडियंस के लिए, क्योंकि फ्री की चीज़ तो यार सबसे बढ़िया होती है, चाहे आप अमीर हो चाहे आप गरीब हो, फ्री का मज़ा तो मज़ा ही है, अलग ही मज़ा है। तो 5 और 6 को आप चाहे जितना मर्जी चाहे नेटफ्लिक्स देख सकते हैं। तो अगर आप उनमें से है जिन्होंने अब तक OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स को ट्राई नहीं किया, तो एक अच्छा मौका है ट्राई करने के लिए। और किसी वजह से, पैसों की कमी की वजह से, अगर आपने नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दी थी तो भी आपके लिए बढ़िया है, ये 2 दिन आप जो चाहे वो कंटेंट देख सकते हैं। पर्सनली मैं नेटफ्लिक्स को ओके मानता हूँ, बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं, बहुत ज़्यादा बुरा नहीं। और मुझे नहीं पता वो फ्री में क्यों दे रहे हैं, या तो इसलिए दे रहे हैं ताकि लोग एक बार ट्राई करें तो उसके एडिक्ट हो जाएं और यूज़ करने लग जाएं, या फिर इतने ज़्यादा यूज़र आ चुके हैं उन्होंने कहा कि इंडियंस को थोड़ा फ्री दे दो यार कंसेशन। बट हाँ, OTT प्लेटफॉर्म जो है नेटफ्लिक्स है, बहुत ज़्यादा चढ़ा है लॉकडाउन के दौरान और लाइक लोग एडिक्ट हो चुके हैं इसके काफ़ी हद तक। हाँ ये मानता हूँ कि सबसे बेस्ट OTT प्लेटफॉर्म है वो। तो मैं कुछ शोज़ को रिकमेंड करना चाहूँगा जो आपको ज़रूर देखने चाहिए, जो और आज मैं उनके बारे में आपको बताऊँगा। तो फर्स्ट शो है वो है ब्रेकिंग बैड। ब्रेकिंग बैड वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है आज तक जो भी वर्ल्ड में बनी है, वो इतनी अच्छी है मैं आपको क्या बताऊँ। उसमें जो लीड कैरेक्टर है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन है, और वो एक पहला लाइक ऐसा शो है मेरे अकॉर्डिंग जिसमें लाइक हीरो ऐसा नहीं है कि बहुत ही स्मार्ट सा, ऐसा नहीं है, उसके अलग सा कंसेप्ट है। तो मेरे हिसाब से वो शो बहुत बढ़िया है, कैसे एक टीचर ड्रग लॉर्ड बन जाता है, तो वो बहुत ही बढ़िया है, आपको वो जरूर देखना चाहिए। और उसके इतने एपिसोड्स हैं शायद 2 दिन उसी में पास हो जाए। अगर आप ब्रेकिंग बैड पहले देख चुके हैं तो मैं जो सेकंड शो है मैं रिकमेंड करूंगा, दैट इज नार्कोस। नार्कोस एक रियल लाइफ डॉक्यूमेंट्री है चाहे पाब्लो एस्कोबार की, तो वो बहुत ही बढ़िया है। फर्स्ट और सेकंड सीजन लगभग उसके बहुत ही बढ़िया है और वो भी मस्ट वॉच है, आपको वो जरूर देखनी चाहिए। अगर आपने पाब्लो एस्कोबार का नाम नहीं सुना तो एक बार गूगल कर लीजिए, आपको समझ आएगा पाब्लो एस्कोबार कौन था। थर्ड शो जो अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी चला 1-2 साल से, जो बहुत ही बढ़िया शो है, दैट इज़ डार्क। डार्क टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक सीरीज़ है और वो बहुत ही अच्छी सीरीज़ है, और उसमें आपको काफ़ी दिमाग लड़ाना पड़ेगा समझने के लिए, लेकिन वो बहुत ही बढ़िया शो है। उसके 3 सीजन्स हैं और आपको वो ज़रूर देखने चाहिए। जो फोर्थ है वो बहुत ही अच्छा है, फ्रेंड्स। अगर आपने अब तक नहीं देखा, वैसे तो मैं अज्यूम करता हूँ वो सबने देख लिया होगा, लेकिन फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा शो है, हल्का फुल्का एक कॉमेडी शो है, और लाइक अगर आपने ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ हंसना है, तो फ्रेंड्स इज़ ऑलवेज बेस्ट। नाउ जो फिफ्थ है, अगर आपको थोड़ा सा अच्छा अपने नेचर के बारे में जानना है और बहुत अच्छे से जिसमें समझाया गया हम किसी तरीके से ह्यूमंस डिस्ट्रॉय कर रहे हैं नेचर को और नेचर है क्या चीज़, तो आपको ज़रूर देखना चाहिए सीरीज़ आवर प्लैनेट। वो बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है और मुझे लगता है कि वो भी मस्ट वॉच है और वो आपको ज़रूर ज़रूर देखनी चाहिए। तो ये थे 5 शोज जो आपको ज़रूर देखना चाहिए। इसके अलावा एक और शो है, मैंने अब तक नहीं देखा लेकिन मैंने बहुत सुना है और मैं भी ट्राई करूँगा, तो वो है टाइगर किंग। वो भी एक डॉक्यूमेंट्री है रियल लाइफ और एक क्राइम पे बेस्ड है, तो वो मैं भी इस बार ट्राई करूँगा, मैं भी सोच रहा हूँ। वैसे मेरे पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन पड़ी है लेकिन मैंने देखी नहीं, लेकिन मैं देखूंगा ताकि आपके लिए उसके रिव्यू भी डाल दूंगा मैं अलग से। बट आपको अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं, उसके रेटिंग्स बहुत अच्छे हैं। सो आज की वीडियो में बस मैं इतना ही बताना चाहूँगा, तो जाइए, अगर आपने अब तक इंस्टॉल नहीं किया नेटफ्लिक्स का ऐप तो इंस्टॉल कर लीजिए और देखना शुरू कर दीजिए। बाय बाय।